हो सकते हैं भाई। सुपर एक्सपीरियंस यार, मैं आपको बताऊं, मतलब पठान ने ना बॉलीवुड को बचा लिया। मतलब मैं रिव्यू दूं भाई, 5 में से 5 दूंगा। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफर। तो इससे मैंने सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आज का दिन ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक बेसब्री से, एक जो लंबा इंतजार चल रहा था ना पठान मूवी का, आज मैं पठान मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं किसी मूवी के लिए इतना एक्साइटेड हूँ, उसकी वजह क्या है मैं वो आपको बताऊंगा। तो सुबह 7:30 बज चुके हैं और हुआ क्या है कि 6 टिकट हमने बुक किए हैं और पहली बार मैंने लाइफ में आज 2 बाउंसर लिए हैं। और बाउंसर इसलिए लेने पड़े हैं कि चीज़ें जो जैसी हो रही हैं ना, और मैं पब्लिक के बीच जो जाता हूँ तो थोड़ा है, आपको पता मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है। खैर, साथ में दिलावर भाई हैं जो अफगानिस्तान से आए थे, शैला भाई हैं और एक मेरे साथ एडिटर है, 6 लोग हैं हम लोग। और 8:05 पर हमारा शो है। तो मुझे पहला क्या लग रहा था कि और जल्दी का हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब आप सोच रहे होगे इतनी जल्दी क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश है जितनी जल्दी हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे ना, ताकि आपको रिव्यू मिल पाए कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा मैं कि इसका ऑनेस्ट रिव्यू क्या है। तो चलो, अभी बाहर जो बाउंसर वगैरह आए हुए हैं वो चाय पी रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उसके बाद जो है हम फिर चलते हैं। तो इस वीडियो को ना लास्ट तक देखें, मजा आएगा, तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या था कि मैंने एक वीडियो शूट की थी शाहरुख वाली, तो उस पर ना बहुत अलग अलग तरह के कमेंट आ गए थे। तो मैंने बताया था कि शाहरुख के जो फादर है वो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। हिस्सा लेना और इस दुनिया से चले जाना, दोनों में अंतर होता है। तो लोग क्या कमेंट तो पढ़ते नहीं आज के टाइम में, ना उस वीडियो को देखते हैं। तो भाई वो वीडियो पूरी तरीके से ठीक थी जो मैंने शाहरुख खान के फादर के ऊपर बनाई थी। और बहुत सारे लोगों ने लोकेशन जानने की कोशिश की थी, लोकेशन कौन सी है। तो वो लोकेशन जो है ना, वो दिल्ली में जो है सबसे बड़ा कब्रिस्तान वहां पर है। तो फाइनली इसे मैं चाय पी रहा हूँ और ये हमारे भाई आ चुके हैं। कैसे भैया? हाँ ठीक है आप? हाँ जी बिल्कुल। तो इनके हमने नाजिम भाई की बहुत तारीफ सुन रखी थी और ये सुबह ही आ गए भाई हमारे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं जो है भाई को साथ में ले रहा हूँ, यानी बाउंसर यूज कर रहा हूँ। मैंने कभी लाइफ में कभी यूज नहीं किया, क्योंकि चीजें ऐसी हो रही हैं। तो अभी मैं चाय पीता हूँ, उसके बाद ढलान पे चलते हैं, वहां से हम दिलावर भाई को जो वहां से आए हुए हैं अफगानिस्तान से, उनको रिसीव करेंगे, उसके बाद फिर चलते हैं। तो चलो चाय पीने के बाद मिलता हूँ। सुबह सुबह पर ना ज्यादा भीड़ नहीं है और हमें ये देखना है कि वहाँ का माहौल कैसा है। तो क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं ना, वो ठीक अच्छी नहीं है। खैर, अभी हम ढलान पर आ गए और यहाँ से अभी हमें दिलावर भाई को रिसीव करना है। और एक्चुअली एक टिकट हमने बढ़ा लिया था, पहले 6 टिकट किए थे मैंने, अब 7 कर लिए। और हम जो जा रहे हैं वो नेहरू प्लेस में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ मॉल में अच्छा है, बताते हैं, काफ़ी तारीफ सुन रखी मैंने इनॉक्स की, तो वहीं चल रहे हैं अभी हम। तो फाइनली हम आ गए और ये क्या है कि सामने देखो दिलावर भाई आ गए। दिलावर भाई कैसे हो मेरे भाई? और सब बढ़िया, वीडियो तो हिट हो गई, लोग तारीफ कर रहे हैं यार, होता फिट में फिट में। और फाइनली हम लोग आ गए और अभी हम चल रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या गए, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मूवी देखने के लिए पठान। हमें सुबह पठान का बच्चा सुबह सुबह जल्दी बुलाया भाई ने, सॉरी फॉर करने के लिए, सॉरी इतने ज्यादा वेट नहीं किया हमने, ठीक है, लेकिन एक्साइटेड हैं हम पठान के लिए। हाँ, ये हमारे नवेद भाई, ये अभी देखो ये इतनी जल्दी उठता नहीं है, शहंशाह आदमी है, लेकिन जल्दी उठे आ जाए पठान पठान के लिए। अच्छा ठीक है, तो चलो चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई चल रहे हैं अभी हम, चलो भैया। तो मैंने उन सबको तो भेज दिया, अभी हम जा रहे हैं नेहरू प्लेस चलना है, मात्र 3 किलोमीटर का सफ़र है। और भाई आज क्या हुआ कि ट्रैफिक ना बहुत, मतलब जिससे ही पूछ रहे हैं ना नेहरू प्लेस जाने के लिए, सब लोग ऑलरेडी बुक्ड है। ठीक है, तो चलो पहुँचते हैं। तो भाई फाइनली हम आ गए और थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि 8:05 एंट्री करनी थी और 8:20 यहीं हो गए हमें। और हमने सेफिस्ट यानी बहुत सुबह का किया है, ताकि ज्यादा लोग होना उसमें। तो चलो अंदर चल रहे हैं। Thank you.
आज भी। तो अभी इंटरवल हो गया था, इंटरवल तक तो ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी है वीडियो के अंदर, मूवीज के अंदर तो काफ़ी मतलब ठीक है। तो अभी हम सीट पे जा रहे हैं और इंटरवल तक मज़ा आ गया भाई, मतलब ठीक ठाक है। अभी हम कॉफ़ी पियेंगे, कॉफ़ी मैंने बुक की है, आर्ट कॉफ़ी। दिलावर भाई कैसा लग रही है मूवी? यार मूवी तो बहुत अच्छा है यार, मज़ा बांध दिया ना मूवी ने हमें शैलब भाई, बहुत मजा आ रहा है कसम से, मजा आ रहा ना? बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाँ भाई नवेद भाई फीडबैक? अरे बहुत बढ़िया मूवी है भाई, एक नंबर मूवी है, मजा आ गया, अभी याद ही हुई है। तो भाई क्या है कि हम जेन्युइन रिव्यू पे बिलीव करते हैं, तो मुझे डर लग रहा था कि यार मैं आपसे कैसे कर पाऊंगा, बट इंटरवल तक मजा आया, सब कुछ ओके है। तो अभी हमने आठ कॉफी मंगाई है, कॉफी पीते हैं उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। भाई सुपर एक्सपीरियंस यार, मैं आपको बताऊं, मतलब पठान ने ना बॉलीवुड को बचा लिया, मतलब जो इन्होंने लास्ट में सीन दिखाया ना, गजब। मैं रिव्यू दूं भाई 5 में से 5 दूंगा। पता है आपको, देखो जब लाल सिंह चड्ढा देखी थी ना, तो वो इंटरवल तक ठीक थी, लेकिन इंटरवल के बाद आमिर खान उसको स्टेबिलिटी नहीं रख पाया था उसमें। लेकिन अगर मैं पठान की बात करूँ ना भाई, लास्ट में इन्होंने जो मतलब इंटरवल तक तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन इंटरवल के बाद जो सलमान खान की एंट्री होती है ना भाई, गजब। और लास्ट में जो इमोशंस सीन है, और इन्होंने पूरी तरीके से बचा लिया लास्ट में। सलमान खान का और शाहरुख खान का जो कैमियो है ना, कि भाई 30 साल से हम काम कर रहे हैं, कि अब इस बॉलीवुड को कौन बचाएगा, कि भाई अब हम ही बचाएंगे, बच्चे को बस की बात नहीं है देश का नाम रोशन करना। बहुत सुपर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बेफेक्स कमाल था। सबसे बड़ी बात क्या है कि मूवी जो है ना, उसका 70% हिस्सा जो है दुबई में शूट हुआ है, तो मैं एक एक सीन से रिलेट कर पा रहा था। जो सिटी वॉक है वहाँ का, दुबई मॉल है वहाँ का, जो पोज एरिया है वहाँ पर 70% मूवी शूट हुई, कुछ रसिया में हुई, तो मतलब मैं रिलेट कर पा रहा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया भाई। और मतलब पहली बार मैं एक मतलब यहाँ थिएटर में मूवी देखा, और जितनी अच्छी मूवी थी इतना अच्छा थिएटर था हमारा। और ये जल्दी देखने का मकसद ये था हमारा कि 8:05 पर शो था हमारा, 10:40 पर ख़त्म हो गया, ताकि जल्दी से जल्दी मैं इसको डालूं, और काफ़ी मज़ा आया। खैर चलो अभी चलते हैं ऊपर। भाई बहुत मज़ा आया, और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मतलब मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि मुझे ये डर लग रहा था कि लास्ट में क्या होगा, जो सेकंड जो होता है ना, क्या इसमें मतलब शाहरुख खान रोक पाएगा ऑडियंस को। देखो पिक्चर हिट वही मानी जाती है, सुपर हिट मानी जाती है, जहाँ ऑडियंस बार बार आए। मैं गारंटी शाम को भी आऊँगा देखने के लिए, और बहुत अच्छा, और 5 में से 5 नंबर। मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि शुरू में एक दो सीन ऐसे थे दीपिका के, जहाँ आप फैमिली वाले थोड़े अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन बाद में जिस तरीके से मूवी को संभाला गया वो लाजवाब है। मतलब कहीं शुरू से लेकर लास्ट तक कहीं आपको ये नहीं लगेगा क्या, कहीं आप बोर महसूस हो रहे हो। स्पेशली सेकंड जो शुरू होता है ना इंटरवल के बाद, जहाँ सलमान खान का कैमियो है, सलमान खान आता है, गजब यार। तो अभी हम सब भाई आ गए, और बहुत अच्छा मूवी रहा। दिलावर भाई हमारे साथ थे, मूवी देखी, पहले भाई ने मूवी देखी। दिलावर भाई कितने नंबर भाई? अच्छा 5 स्टार रेट करोगे या 10? नहीं 5 भाई मैं 5 में से 10 नंबर दूंगा। और एक चीज़ ये थी कि हमने जो अपने सिक्योरिटी रीजन के लिए बुलाया था ना दो भाइयों को, बाउंसर को, तो ये हमारे लिए सरप्राइज था, हमें यार इन्हें भी मूवी दिखानी थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा मूवी थी, हमारे साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ तो काफ़ी अच्छा रहा। चलो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, और मूवी देखने जाए यार, गजब यार, मतलब आपके पैसे वर्थ है, नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।